देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW का वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच नहीं देखा है, आज मैं तुम लोगों को बता दूं, आज फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW की वर्ल्ड वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म, AEW का वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप NJPW की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करती गई। और गाइस, यहां पर फॉरबिडन डोर पर इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म के साथ साथ रूबी सोहो और सरेया रिंग साइड एरिया पर होती गई, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल को कनाडा में पूरा सपोर्ट मिलता है। और गाइस, पूरे के अंदर क्राउड विलो नाइटिंगेल को तगड़ा सपोर्ट दे रही होती है। बट गाइस, यहां पर क्योंकि आज इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म की तरफ से सरेया और रूबी सोहो रिंग साइड एरिया पर होती है, तो गाइस इसीलिए जब भी इस मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल मैच में उनका मोमेंटम बनाती है, तो गाइस यहां पर रूबी सोहो और सरेया मैच के अंदर इंटरफियर करती है। और गाइस, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये दोनों विलो नाइटिंगेल के ऊपर अटैक कर देती है, जहां पर पूरे मैच में इन दोनों के अटैक करने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर विलो नाइटिंगेल स्वीट स्विन म्यूजिक हिट करती है। और गाइज, मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर विलो नाइटिंगेल DDT हिट करके मैच को जीत करने की कोशिश करती गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म नहीं हारते गए, जिसके बाद कि फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर विलो नाइटिंगेल के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनका फिनिशर हिट करते गए। और गाइज, विलो नाइटिंगेल पर स्टॉर्म जीरो के साथ विलो नाइटिंगेल को बीट करके टोनी स्टॉर्म जीत जाती गए। और गाइज, फॉरबिडन डोर के ऊपर टोनी स्टॉर्म रिटेन करती है AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप।